मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दो दिवसीय अभियान चलाकर छापेमारी कर 7 नमूने भरे। शहर के कटरानास, कंजरी सराय समेत कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वागीशमणि त्रिपाठी ने बताया कि कुट्टू के आटे के 2, सरसों के तेल के 1, रंगीन कचरी के 3, मसूर की दाल के 3 नमूने भरे गए। SS एंटरप्राइजेस सर्किट हाउस के पास से कुट्टू के आटे और मसूर दाल का नमूना लिया। कंजरी सराय भूमि जनरल स्टोर से कुट्टू के आटे, राजीव ब्रदर्स कटरानास में रंगीन कचरी का नमूना लिया गया। कचरानास में ही परमानंद कृष्णा अवतार प्रतिष्ठान से रंगीन कचरे के 2, अपान स्प्लेयर किसरौल से सरसों के तेल का 1 नमूना भरा गया। इस टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वागीशमणि त्रिपाठी, मुकेश वीरेश पाल, अमित जिज्ञासु, MSD सच्चर, ज्योष्णा त्रिपाठी, जगदम्बा प्रसाद, PK त्रिपाठी, ओमपाल सिंह आदि मौजूद रहे। एक्चुअली हमने 2 दिन का अभियान चलवाया था, विशेषकर कुट्टू और आने जो दीपावली में बहुत ज्यादा चीज की खपत होती है और दुग्ध पदार्थ पे, तो कल 2 दिन का अभियान था, कल और आज का अभियान अभी चल रहा है। और कल हम लोगों ने 7 नमूने कलेक्ट किए थे, उसमें 2 कुट्टू का आटा था, 1 सरसों का तेल था, 3 रंगीन कचरी था और 1 दाल मसूर था। यह नमूने संग्रहित किए गए और इनको जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों, में होली भी करीब है? हाँ, इसमें हमने कल मतलब इसमें एक कार्यक्रम भी था मेरा, तो इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि खोए की जांच करने के लिए आजकल मार्केट में आयोडीन टिंचर मटेरियल स्टोर में उपलब्ध है, वो डार्क ब्राउन रंग का होता है लिक्विड, उसको खोए में थोड़ा सा उसको डालें और यदि कोई कलर परिवर्तन नहीं होता है तो खोआ शुद्ध है, और यदि वो नीले रंग का आता है कलर हो जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की मिलावट है, तो इस प्रकार खोए को में मोस्टली स्टार्च की मिलावट होती है, तो उसको हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं।